हेलो गाइस, माय नेम इज नितिश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली पिंग किया और मेल किया कि आप लोग चैटबॉट बनाना सीखना चाहते हो। सो आई थॉट व्हाई नॉट। इस वीडियो में मैं आपको एंड टू एंड एक चैटबॉट बनाना सिखाने वाला हूँ। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ प्रोजेक्ट के बारे में और उसके बाद हम लोग पूरा एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो चैटबॉट आई गेस आपको ऑलरेडी पता है, आज की डेट में चैटबॉट्स आर ह्यूजली इंपॉर्टेंट। चैटबॉट इज बेसिकली एन AI जो आपसे चैट कर सकता है, ठीक है, बोथ वायर टेक्स्ट मैसेजेस एंड वॉइस मैसेजेस। ठीक है, आज के रेट में अगर आप देखो तो जितने भी मेजर प्रोडक्ट कंपनीज हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, जैसे कि ओला हो गया या स्विगी हो गया या जोमैटो हो गया, ये सभी लोग इंटरनली चैटबॉट्स इंप्लीमेंट करते हैं। इससे क्या फायदा होता है, उनको कुछ लोगों को सैलरी नहीं देनी पड़ती, स्पेशली जो कॉल सेंटर एम्प्लॉयज हैं या फिर सपोर्ट स्टाफ है, उनके बदले व्हाट दे कैन डू इज दे कैन इंप्लीमेंट अ चैटबॉट। सो फ्यूचर में भी जैसा बोला जा रहा है चैटबॉट्स का डिमांड बहुत बढ़ने वाला है। सो दैट्स व्हाई आज की डेट में अगर आप AI और मशीन लर्निंग के स्पेस में हो तो आपको चैटबॉट बनाना आना चाहिए। ठीक है, सो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन की बात। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में मैंने किस तरीके से सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है। सो स्क्रैच से चैटबॉट बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है, बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत डीप लेवल पे NLP का समझ होना चाहिए और इसके अलावा आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स आने चाहिए, डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स आने चाहिए। तो सिंस एक वीडियो में वो सब कुछ करा पाना पॉसिबल नहीं था, सो व्हाट आई विल डू इज मैं एक चैटबॉट फ्रेमवर्क यूज करूँगा जिसका नाम है डायलॉग फ्लो। डायलॉग फ्लो गूगल का प्रोडक्ट है और बहुत ईजिली आप इसको यूज करके एक चैटबॉट बना सकते हो। अब हम जो चैटबॉट बना रहे हैं वो एक स्पेसिफिक काम करेगा, उसका काम होगा करेंसी कन्वर्जन करना। मतलब अगर आप उससे एक क्वेश्चन पूछो कि 100 USD रुपीज में कितना होगा, तो वो आपको ये कन्वर्जन करके दे सकता है। इनफैक्ट वो किसी भी दो करेंसीज के बीच में कन्वर्जन करके आपको दे सकता है। इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली हमारा चैटबॉट फिलहाल कोई काम नहीं कर सकता, बट आप इस वीडियो को देखने के बाद, इस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद रियलाइज करोगे कि इस पूरे की पूरी चीज में कितना पोटेंशियल है और आप कितनी इजिली अलग अलग टाइप के चैटबॉट्स बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक डेमो दिखाऊंगा, जो मैंने प्रोडक्ट बनाया है, जो मैंने चैटबॉट बनाया है वो मैं आपके सामने रखूंगा। आप वो डेमो देखो और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ये पूरा का पूरा वीडियो। ऑल्सो मैंने डिसाइड किया है कि चैटबॉट बनाने के बाद मैं उसको टेलीग्राम में काइंड ऑफ एक्सपोर्ट कर दूंगा। मतलब आप टेलीग्राम ऐप के ऊपर उस चैटबॉट के साथ चैट कर सकते हो। तो देर आर टू पार्ट्स, वन वुड बी चैटबॉट डेवलपमेंट एंड सेकेंड वुड बी इट्स माइग्रेशन टू टेलीग्राम। ठीक है, सो नाउ बहुत बातचीत हो गई, सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ इस चैटबॉट का डेमो। और एक लास्ट चीज, डेमो स्टार्ट करने के पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो मैं अपने चैनल पे मशीन लर्निंग रिलेटेड वीडियोज बनाता हूँ और इस तरह के और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बनाता हूँ। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो मशीन लर्निंग में तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बहुत रेगुलरली वीडियो डालता हूँ और हो सकता है आपको फायदा हो। ठीक है, लेट्स सी द डेमो। सो या गाइस, नाउ आई विल शो यू द डेमो ऑफ द चैटबॉट जो मैंने बनाया है यूजिंग डायलॉग फ्लो और ये टेलीग्राम से इंटीग्रेटेड है। मैंने बहुत प्यार से इस चैटबॉट का नाम रखा है रामू काका और इसका एक ही काम है वैसे कि ये करेंसी कन्वर्जन में आपकी हेल्प करेगा, बट आप इससे इधर उधर की बातें भी कर सकते हो। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा हाय, तो आई एम फाइन, एक्सेलेंट, आई एम हेयर टू हेल्प, कीप इट दैट एनीवे। सो अब मैं इससे कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, वैसे हु आर यू, और मैंने इसको ऐसा पर्सनालिटी दिया है कि थोड़ा सा ये इरिटेटिंग और एरोगेंट है। ठीक है, जैसे बोल रहा है आई एम गॉड, मैंने पूछा हाउ ओल्ड आर यू, इट सेज तुझे क्या करना है, तो यू वुड से यू आर अनोइंग, तू कौन सा कम है। ओके, जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, नहीं करता क्या कर लेगा, यू आर बैड, हट दे। ओके फाइन, अच्छे से बात करते हैं, यू आर ब्यूटिफुल, चल झूठे, ओके इग्नोर दैट, जस्ट टेल मी
हाउ मच इज 100 USD इन रुपीज? टू वॉट करेंसी यू वॉन्ट टू कन्वर्ट? INR? ये देखो, इसने बता दिया 100 USD इन इज 744.41 INR. किसी और करेंसी में भी आप करवा सकते हो. जैसे कि आप बोल सकते हो कन्वर्ट 100 येन टू पाउंड्स. सो 100 जापानीज करेंसी इज 0.66 GBP. आई वॉन्ट यू टू कन्वर्ट 200 पाउंड्स टू रूबल. 200 GBP इज 20,347 रूबल. ठीक है, सो थैंक्स, एनी टाइम, लव यू. एंड दैट्स द चैटबॉट. यही चैटबॉट हम लोग बनाना सीखेंगे इस वीडियो में. सो गाइस, हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हमारा जो चैटबॉट है, हम लोग जो करेंसी कन्वर्टर चैटबॉट बनाने वाले हैं, उसका आर्किटेक्चर क्या होगा. सी, दिस इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्लेक्स थिंग. मल्टीपल चीजें साथ में आके काम करेंगी. दैट इज वाई आर्किटेक्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो लेट मी शो यू कि इस पूरे चैटबॉट का आर्किटेक्चर क्या है. ठीक है, सो होगा क्या कि हम लोग सबसे पहले डायलॉग फ्लो यूज कर रहे हैं. ये शायद आपको ऑलरेडी पता है. डायलॉग फ्लो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा. इट इज बेसिकली अ चैटबॉट बिल्डिंग फ्रेमवर्क. ठीक है, इसको यूज करके आप बहुत इजीली चैटबॉट्स बना सकते हो. गूगल का प्रोडक्ट है, बहुत रिलायबल है. अब देखो, हमारा जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही सिंपल है. सो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक चैटबॉट बनाना होगा. हमारा एक चैटबॉट होगा और ये चैटबॉट डायलॉग फ्लो के थ्रू बनेगा. हमारा जो यूजर होगा वो इसी चैटबॉट से बात करेगा. ठीक है, अब ये चैटबॉट से लेट्स से यूजर ने क्वेरी किया, व्हाट इज द वेदर टुडे या विल इट रेन टुडे. ठीक है, तो ये जो क्वेरी किया जाता है ना, इसको आप बोलते हो इंटेंट. चैटबॉट की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है इंटेंट. इंटेंट मतलब जब भी यूजर कुछ करना चाहता है या चैटबॉट से करवाना चाहता है, उसको आप इंटेंट बोलते हो. सो अगर यूजर बोल रहा है कैन यू हेल्प मी, दैट इज ऑल्सो एन इंटेंट. अगर वो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर राइट नाउ, वो भी एक इंटेंट है. अगर वो आपसे पूछ रहा है कि अभी टाइम क्या हुआ है, तो वो भी एक इंटेंट है. ठीक है, सो इंटेंट इज समथिंग जो यूजर आपसे करवाना चाह रहा है. ठीक है, अब इंटेंट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होता है. यूजर जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी में उस चीज का आंसर भी छुपा है. सो अगर वो मुझसे टाइम पूछ रहा है, तो मुझे उसको टाइम बताना है, ये नहीं बताना है कि बारिश होगी कि नहीं. राइट, तो इंटेंट से हम क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एंटिटी. अब एंटिटी क्या होता है, बहुत सिंपल है. अगर यूजर ने आपसे पूछा कैन यू प्रोवाइड मी योर फोन नंबर, आई नीड हेल्प, लेट्स से, तो ये पूरी चीज इंटेंट है, यूजर को हेल्प चाहिए. बट उसमें जो उसने फोन नंबर वर्ड यूज किया वो एंटिटी है. ठीक है, आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. विल इट रेन टुडे, यूजर आपसे पूछना चाहता है कि आज बारिश होगी या नहीं होगी. अब उसमें जो रेन वर्ड है वही एंटिटी है. अगर यूजर आपसे बोल रहा है कि मुझे $500 को INR में कन्वर्ट करके दो, तो यहाँ पे $500 और INR ये दोनों एंटिटीज हैं. तो हमें क्या करना होता है, हमारा चैटबॉट क्या करता है बिहाइंड द सीन्स, इंटेंट के अंदर से एंटिटीज एक्सट्रैक्ट करता है. अब एंटिटीज डिपेंडिंग ऑन द चैटबॉट एक या एक से ज्यादा हो सकता है. ठीक है, अब हमारे पास एंटिटीज आ गई. मान लो हमारे पास ये दो एंटिटीज है, $400, ये पहली एंटिटी है और हमारी दूसरी एंटिटी है INR. अब मुझे पता है कि मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है. राइट, तो अब यहां पे नेक्स्ट स्टेज आता है जिसको हम बोलते हैं फुलफिलमेंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, इसको बोला जाता है फुलफिलमेंट. तो यहां पे क्या होगा कि यहां पर आप एक पाइथन ऐप बनाते हो, आप एक फ्लास्क ऐप बनाते हो, बेसिकली एक वेबसाइट बनाते हो, या फिर और टेक्निकल टर्म्स में बोला जाए तो आप एक API बनाते हो. और इस API का काम है ये कन्वर्जन करना, या फिर अगर उसने टेम्परेचर पूछा है तो टेम्परेचर खोज के लाना, या फिर अगर वो फोन नंबर मांग रहा है तो फोन नंबर खोज के लाना. ठीक है, ये फ्लास्क API क्या करेगा, ये कन्वर्जन करेगा, और फिर ये कन्वर्जन करके
वापस चैटबॉट को दे देगा एज रिप्लाई, एंड दैट इज हाउ दिस एंटायर थिंग विल वर्क. सो यूजर के साइड में एक चैटबॉट रहेगा जिससे वो चैट करेगा. अब ये किसी भी मीडियम में हो सकता है, ये व्हाट्सएप के ऊपर हो सकता है, ये आपकी वेबसाइट पे हो सकता है, ये टेलीग्राम पे हो सकता है, ये और जितने भी मैसेंजर्स हैं, फेसबुक मैसेंजर है उस पे हो सकता है. तो ये चैटबॉट कहीं भी हो सकता है, ठीक है. अब चैटबॉट से यूजर बात करके कुछ बोलेगा, हम उसमें से इंटेंट एक्सट्रैक्ट करेंगे, इंटेंट के अंदर से एंटिटीज एक्सट्रैक्ट करेंगे, और वो एंटिटीज को हम भेज देंगे अपने वेब ऐप के पास. हमारा वेब ऐप क्या करेगा, जो भी रिक्वायर्ड टास्क है उसको कंप्लीट करेगा और उसको रिटर्न करेगा, जो भी आंसर मिलेगा उसको रिटर्न करेगा वापस चैटबॉट को, और आपका चैटबॉट उसको एज रिप्लाई प्रेजेंट करेगा आपके यूजर के सामने. सो दिस इज द एंटायर आर्किटेक्चर. अगर ये काम आपको समझ में आ गया तो 50% प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया. सो गाइज, नाउ दैट हमें आर्किटेक्चर समझ में आ चुका है, अब हम लोग अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे. सो सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊंगा डायलॉग फ्लो की वेबसाइट पे, क्योंकि सारा का सारा काम वहीं पे हमें करना है. सो आपको क्या करना है, आपको एक ब्राउजर के ऊपर जाना है और आपको ये URL टाइप करना है, dialogflow.cloud.google.com. आप जैसे ही एंटर मारोगे आपको ये पेज दिखाई देगा और वहां पे वो आपसे बोलेगा साइन इन करने के लिए यूजिंग योर गूगल अकाउंट. आप इस बटन पे क्लिक करके अपने किसी भी लॉग इन अकाउंट से लॉग इन कर सकते हो, और ये रहा आपका अकाउंट, राइट. अब यहां पे आपको सबसे पहले टर्म्स ऑफ सर्विसेस चेक करना पड़ेगा. अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना, वैसे कोई पढ़ता है नहीं. अब आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रिएट एजेंट करना है. सो यहाँ पे हर चैटबॉट को एक एजेंट बोला जाता है, तो आप अपने अकाउंट को यूज करके मल्टीपल एजेंट्स बना सकते हो, ठीक है. अब बिफोर स्टार्टिंग विद द प्रोसेस, मैं आपको थोड़ा सा डायलॉग फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ. सो डायलॉग फ्लो है क्या. सो डायलॉग फ्लो पहले एक कंपनी हुआ करती थी जिसका नाम था API.AI, जिसको गूगल ने अक्वायर कर लिया और उसका नाम बदल के डायलॉग फ्लो कर दिया. अब ये कंपनी की खासियत क्या है कि ये कंपनी एक NLU प्लेटफॉर्म देती है आपको. NLU प्लेटफॉर्म का मतलब नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म, जिसको यूज करके आपके और मेरे जैसे यूजर्स बहुत इजीली खुद के चैटबॉट्स बना सकते हैं. आपको स्क्रैच से उस मॉडल को, उस चैटबॉट को ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट डायलॉग फ्लो, ठीक है. डायलॉग फ्लो इज अ फ्रेमवर्क यूजिंग विच यू कैन इजिली क्रिएट चैटबॉट्स. अब ऐसा डायलॉग फ्लो अकेला सर्विस नहीं है, इस तरह की और भी सर्विसेज हैं. अगर आप Amazon की बात करो तो AWS Lex बोल के एक प्लेटफॉर्म है, जो आप AWS पे बहुत इजीली चैटबॉट बना सकते हो. Facebook का Wit.AI बोल के एक प्लेटफॉर्म है, जिसको यूज करके आप बहुत जल्दी चैटबॉट्स बना सकते हो. सिमिलरली IBM का Watson है, और Microsoft का भी Azure प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई फ्रेमवर्क होगा. मैंने कभी काम नहीं किया, बट आई प्रेफर डायलॉग फ्लो बिकॉज बहुत ही ईजी है और बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, ठीक है. आई होप इतना इंट्रोडक्शन आपके लिए इस पॉइंट पे सफिशियंट है. अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक एजेंट बनाएंगे. सो वी विल क्लिक ऑन दिस बटन क्रिएट एजेंट. यहाँ पे आपको एजेंट का नाम देना होगा, ठीक है. हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, बट याद रहे इसलिए हम इसका नाम दे रहे हैं रामू काका, जस्ट ऐसे ही, ठीक है. डिफॉल्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है. डिफॉल्ट टाइम जोन एशिया है, GMT+6, ठीक है. और जैसे ही आप ये नया एजेंट बनाओगे, बाय डिफॉल्ट आपका गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो जाएगा, ठीक है. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर. ऑल्सो देर इज वन मोर ऑप्शन. अच्छा, यहाँ पे स्पेसेस नहीं दे सकते तो हम ये पीछे कर देंगे. यहाँ पर एजेंट टाइप में लिखा है सेट एज मेगा एजेंट, कंबाइन मल्टीपल डायलॉग फ्लो एजेंट्स इंटू अ सिंगल एजेंट. अगर आप एक सिंगल चैट बॉट बनाना चाहते हो जो गूगल या सीरी की तरह काम करे, तो आपको मेगा एजेंट बनाना पड़ता है, बट वो अभी हमारे वीडियो के स्कोप के बाहर है, ठीक है. इतना करने के बाद हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे, एंड यू कैन सी गाइस हमारा डायलॉग फ्लो का एजेंट इज रेडी, ठीक है. यहाँ पर यू कैन सी रामुका का नाम है इसका, और यहाँ पे ये अलग अलग ऑप्शंस हैं. इनमें से कुछ चीजें आपको ऑलरेडी समझ में आ चुकी हैं, जैसे कि इंटेंट्स, एंटिटीज, फुलफिलमेंट, इंटीग्रेशन है मतलब आप अपने चैटबॉट को कौन से प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करना चाहते हो, ट्रेनिंग, वैलिडेशन, एनालिटिक्स, और भी कुछ ऑप्शंस हैं. अब हम इनमें से सारे ऑप्शंस को तो टच नहीं करेंगे, बट हम कुछ ऑप्शंस को जरूर यूज करेंगे, ठीक है. सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले विथ इंटेंट्स. इंटेंट्स को समझने का ट्राई करेंगे. सो गाइज, यहाँ पर स्क्रीन पर अगर आप देखो तो आपको इंटेंट का डेफिनेशन मिलेगा. डायलॉग फ्लो इंटेंट को इस तरीके से डिफाइन करता है,
डायलॉग फ्लो बोलता है कि इंटेंट्स आर मैपिंग्स बिटवीन अ यूजर्स क्वेरी एंड एक्शंस फुलफिल्ड बाय योर सॉफ्टवेयर. ठीक है, आप चाहो तो और ज्यादा डिटेल में यहाँ पे आके पढ़ सकते हो, और यहाँ पे अच्छा समझाया है कि एग्जैक्टली इंटेंट्स क्या होते हैं. सो अभी हम लोग इंटेंट वाले विंडो में हैं, और आप ऑलरेडी देख सकते हो कि हमारे प्रोजेक्ट में दो इंटेंट्स ऑलरेडी हैं. एक का नाम है डिफॉल्ट फॉल बैक इंटेंट, और एक का नाम है डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट. और डायलॉग फ्लो आपको ये हमेशा करके देगा, जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट बनाओगे, जब भी आप एक नया चैटबॉट बनाओगे, जैसे हमने रामू काका को बनाया, तो आपको दो इंटेंट्स हमेशा मिलते हैं. ठीक है, इनफैक्ट आप चाहो तो इस पॉइंट पे इन दोनों इंटेंट्स को टेस्ट कर सकते हो. लेट मी शो यू कैसे. सो ये जो राइट साइड वाला पार्ट है, यहाँ पर आपका चैटबॉट हमेशा लाइव रहता है. आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो और यहाँ पे उसको टेस्ट कर सकते हो. जैसे कि यहाँ पे देखो, अगर मैं लिखूं हेलो और मैं एंटर मार दूं, देखो यहाँ पे लिखा है यूजर सेज हेलो, और हमारा चैटबॉट का रिस्पॉन्स क्या है, ग्रीटिंग्स, हाउ कैन आई असिस्ट. अब क्वेश्चन ये है कि कैसे समझ में आया मेरे चैटबॉट को कि उसको यही रिप्लाई करना चाहिए. द आंसर इज इंटेंट के थ्रू. सो अगर आप देखो, जैसे मैंने हेलो बोला तो इंटेंट कौन सा ट्रिगर हुआ, डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट. और डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट का एक्शन क्या था, इनपुट डॉट वेलकम, और जिसकी वजह से आपको ये दिखाई दे रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे जो दो इंटेंट है, इन दोनों का मैं काम आपको समझा देता हूँ. वेलकम इंटेंट है आपको वेलकम करने के लिए. सो जब भी आप कुछ भी शुरू करोगे कॉन्वर्सेशन, तो ये वाला इंटेंट ट्रिगर होगा. जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखूं हाउ आर यू, तो एक्चुअली इसको समझ में नहीं आया और वो बोल रहा है व्हाट वाज दैट. और इस बार देखो कौन सा इंटेंट ट्रिगर हुआ, फॉल बैक इंटेंट. सो फॉल बैक इंटेंट आई गेस आपको समझ में आ रहा है, एक ऐसा इंटेंट है जो तब ट्रिगर होगा जब आपके चैटबॉट को समझ में नहीं आएगा कि क्या रिप्लाई करना है. तो दैट इज व्हाई ये दो इंटेंट्स आपके पास रहते हैं. एक बार एक काम करते हैं, होला ट्राई करते हैं, होला. सो ये देखो बोल रहा है गुड डे, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, और इस बार डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट ट्रिगर हुआ. अगर मैं यहाँ पे कुछ गिबरिश टाइप करूँ और एंटर मारूँ, सो देखो बोल रहा है व्हाट वाज दैट, और इस बार फॉल बैक इंटेंट टाइप हुआ. ठीक है, सो सिंपल फंडा ये है, मैं आपको समरी में समझाता हूँ कि जैसे ही आप एक नया चैटबॉट क्रिएट करोगे, आपको दो इंटेंट्स पहले से मिल जाएंगे. एक का नाम होगा वेलकम इंटेंट, जो तब ट्रिगर होता है जब यूजर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का ट्राई करेगा, और दूसरा होता है फॉल बैक इंटेंट, जो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा जब आपके चैटबॉट को समझ में नहीं आएगा कि उसको क्या करना है. ठीक है, अब यहां से हमें इंटेंट्स क्रिएट करवाने हैं हमारे पर्पस के हिसाब से. सिंस हमें करेंसी कन्वर्टर ऐप बनाने जा रहे हैं, तो हम अपने इंटेंट्स खुद से क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट मैं आपको एक इंटेंट क्रिएट करके दिखाऊंगा, हेल्प इंटेंट. टू क्रिएट अ न्यू इंटेंट आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्रिएट इंटेंट बोल के एक बटन है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा. जैसे आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर एक फॉर्म में पूछा जाएगा कि सबसे पहले आप बताओ आपके इंटेंट का नाम क्या होगा. सो सिंस हम हेल्प के लिए इंटेंट बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेल्प. ठीक है, और सेव कर देंगे. ठीक है, अब यहाँ पे तीन चार चीजें हैं. कॉन्टेक्स्ट है, अगर आप पढ़ो, इट कैन बी यूज टू रिमेंबर पैरामीटर वैल्यूज सो दैट दे कैन बी पास बिटवीन इंटेंट्स. ठीक है, सो कभी कभी चैटबॉट को कॉन्टेक्स्ट रिटेन करना पड़ता है. यूजर पहले जो बोल रहा था अभी भी उसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहा है, उससे रिलेटेड चीजें आप यहाँ पे करोगे. यहाँ पर इवेंट्स भी है, इंटेंट को यूज करके आप इवेंट्स ट्रिगर कर सकते हो. जैसे बुकिंग करना है, होटल बुकिंग करना है, इस तरह के इवेंट्स भी आप ट्रिगर कर सकते हो. बट अभी हम इतना कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं कर रहे, अभी हम सबसे पहले जाएंगे ट्रेनिंग फ्रेजेस में. ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है. फ्रेजेस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यूजर्स दैट विल ट्रिगर द इंटेंट. ठीक है, सो हेल्प के लिए यूजर क्या टाइप कर सकता है आपको ये सोचना है, और वो फ्रेजेस आपको बताने हैं. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोवाइड एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ यूजर्स विल एक्सप्रेस देयर इंटेंट इन नेचुरल लैंग्वेज. ठीक है, एडिंग न्यूमरस फ्रेजेस विथ डिफरेंट वेरिएशन एंड पैरामीटर्स विल इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ इंटेंट मैचिंग. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हर पॉसिबल सिनेरियो सोचना है जिस तरीके से यूजर हमारे चैटबॉट से हेल्प मांग सकता है, और हमको वो फ्रेजेस बताने हैं अपने इंटेंट को. तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एड ट्रेनिंग फ्रेजेस में, और मैं यहाँ पे लिखूंगा, सबसे पहले यूजर बोल सकता है प्लीज हेल्प मी. ठीक है, फिर एक और चीज हो सकता है आई एम स्टक प्लीज हेल्प मी, और हो सकता है कुड यू प्लीज हेल्प मी. कुड यू
प्लीज हेल्प मी, और हो सकता है हेल्प मी, और हो सकता है आई डोंट नो वॉट टू डू। ठीक है, इस तरीके से आपको अलग अलग वेरिएशंस देने हैं कि आपका यूजर अगर फंसेगा तो किस तरीके से हेल्प मांग सकता है। ठीक है, और इतना करके आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे, जो NLU मॉडल है डायलॉग फ्लो का, वो ऑटोमेटिकली इन फ्रेजेस को पकड़ करके आपके चैटबॉट को ट्रेन करने लग जाएगा। ठीक है, सो जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे, सेव हो गया। अब हम नीचे जा रहे हैं, एक्शंस एंड पैरामीटर्स को फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं और रिस्पॉन्सेज पे जा रहे हैं। ठीक है, और रिस्पॉन्सेज में आपका रिस्पॉन्स आपको बताना है। ठीक है, तो इन दिस केस हमारा रिस्पॉन्स बहुत सिंपल है। हमारा रिस्पॉन्स होगा यू कैन मेल अस एट nitish.campusx@gmail.com। ठीक है, और एड रिस्पॉन्स बटन पे और सेव पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सेव हो गया। अब हम लोग टेस्ट करते हैं कि ये इंटेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एजेंट ट्रेनिंग स्टार्टेड। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग्स वाला बटन घूम रहा है, इट मींस अभी हमारा चैटबॉट ट्रेन हो रहा है और अब वो ट्रेन हो गया। ठीक है, अब हम लोग ट्राई करते हैं इसको। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई वॉज ट्राइंग टू बुक टिकट, कैन यू हेल्प। मान लो यूजर ने ये बोला क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पे पलट करके जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो वही है जो हमने बताया, और देखो कौन सा इंटेंट ट्रिगर हुआ, हेल्प। हम और भी ट्राई कर सकते हैं, कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू प्रोसीड। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ऑल्दो लेट्स सी क्या होता है। या इस केस में डिफॉल्ट फॉल बैक इंटेंट आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा और अच्छे से इसको ट्रेन करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी पॉसिबल सिनेरियोस हैं उसका एक एक टाइप आप यहाँ पे ट्रेनिंग फ्रेजेस में ऐड करते जाओ। थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा यूजर का डेटा चाहिए समझने के लिए कि यूजर क्या बोलता है, और फिर आपका मॉडल ट्रेन होता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जितने भी चैटबॉट्स होते हैं, किसी भी कंपनी का चैटबॉट आप उठा लो, शुरू में उनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहता है, बट जैसे जैसे यूजर्स उनके साथ और ज्यादा बातचीत करने लग जाते हैं उतना उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने लगता है, क्योंकि हमारे पास और ज्यादा डेटा आते जाता है उस चैटबॉट को ट्रेन करने के लिए। तो यहाँ भी सेम ही चीज है, हमें और ज्यादा डेटा प्रोवाइड करना पड़ेगा तो इसका परफॉर्मेंस और इंप्रूव करता जाएगा। बट एनीवेज, मेरा आइडिया ये था कि मैं आपको सिखाना चाहता था कि इंटेंट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा है। अब मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ कि आप कैसे अपने चैटबॉट को एक पर्सनालिटी दे सकते हो। आपने सुना होगा कि सीरी जो है वो बहुत ही विटी है, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर्स देती है, बहुत ही स्मार्ट आंसर्स देती है। आप भी ये काम कर सकते हो, कैसे, यूजिंग स्मॉल टॉक। ठीक है, लेट मी शो यू स्मॉल टॉक यूज करके आप कैसे अपने चैटबॉट को पर्सनालिटी दे सकते हो। सो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि चैटबॉट को पर्सनालिटी देने का क्या जरूरत है। एक्चुअली मल्टीपल रीजंस हैं। कंपनीज चाहती हैं कि चैटबॉट्स को किनकी जगह पे यूज करना, जो उनके कॉल सेंटर एम्प्लॉयज हैं उनके बदले चैटबॉट्स को यूज करना चाहती है कंपनीज, क्योंकि जनरली क्या होता है कि अगर एक यूजर को पता चल जाता है कि सामने से जो बात कर रहा है वो एक चैटबॉट है, तो फिर यूजर सीरियसली नहीं लेता है, या फिर पता नहीं चैट का फ्लो खराब हो जाता है। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने चैटबॉट को एक पर्सनालिटी दो, जिससे कि लगे कि सामने से जो बात हो रही है वो कोई इंसान कर रहा है। ठीक है, सो दैट इज वाई हम ये पर्सनालिटी देने वाला चीज डिस्कस कर रहे हैं। सो आपको क्या करना है, आपको ये स्मॉल टॉक वाले टैब पे क्लिक करना है, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है योर एजेंट कैन लर्न हाउ टू सपोर्ट स्मॉल टॉक विदाउट एनी एक्स्ट्रा डेवलपमेंट। बाय डिफॉल्ट इट विल रिस्पॉन्ड विद प्रीडिफाइंड फ्रेजेस, यूज द फॉर्म फिलो टू कस्टमाइज रिस्पॉन्सेज टू द मोस्ट पॉपुलर रिक्वेस्ट। ठीक है, सो सिंस डायलॉग फ्लो कई सालों से काम कर रहा है, तो इन लोगों ने क्या किया, काफी सारा डेटा कलेक्शन किया, और डेटा कलेक्शन क्या है, वो सारे फेमस क्वेश्चन जो सभी लोग जनरली चैटबॉट से पूछते हैं, और उनका कलेक्शन बना के उन्होंने आपको दे दिया कि देखो ये सारे क्वेश्चंस मोस्टली लोग पूछते हैं चैटबॉट से, आप इनका आंसर दे दो अलग अलग ढंग से, और वही चैटबॉट की पर्सनालिटी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस है अबाउट एजेंट, और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे हम इंडियंस के अंदर थोड़ा सा ज्यादा ही है ये कि अगर हमें सामने से कोई चैटबॉट दिखता है तो हमें पहले टेस्ट करना होता है, मतलब कॉलेज के लैंग्वेज में बोला जाए तो ये बकचोदी करते हैं हम
कि हमें पता करना होता है कि भाई ये चैटबॉट है या फिर कोई असली इंसान है। और हम ऊटपटांग सवाल पूछते हैं, मुझसे शादी करोगी, आई लव यू, तुम कौन हो, तुम्हारे पापा कौन है, इस तरह के वियर्ड क्वेश्चन, जबकि हम गए थे किसी और पर्पस के लिए। तो उन सारे सिनारियोज के लिए आप यहाँ पे आंसर्स कर सकते हो। सो हु आर यू, तो यहाँ पे यू कैन राइट आंसर्स, ठीक है, जैसे कि आई एम गॉड, लेट्स से मैंने ऐसे लिख दिया, फिर इसमें लिखा है एंटर अ आंसर एरियंट, डोंट यू नो क्वेश्चन मार्क, और भी कुछ डाल सकते हैं, आई एम द फ्रेंड यू नीड, कुछ भी मतलब जो भी आपको लगे। आप हिंदी में भी डाल सकते हो, हाउ ओल्ड आर यू, आप यहाँ पे डाल सकते हो, तुझे क्या करना है क्वेश्चन मार्क, आप यहाँ पे डाल सकते हो, मैं नहीं बता रहा, कुछ भी मतलब, इट्स अप टू यू, मतलब कुछ भी आप पर्सनालिटी दे सकते हो, यू आर अनोइंग, तू कौन सा कम है, ठीक है, चुप कर, सॉरी, मेरे दिमाग में जो आइडिया है चैटबॉट का वो थोड़ा सा ऐसा ही है, राउडी टाइप का, आंसर माय क्वेश्चन, श्योर, नहीं करता, क्या कर लेगा, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, यू आर बैड, हट बे, ठीक है, प्लीज डोंट से दैट, ऑल दो अभी जो पर्सनालिटी निकल के आ रहा है मेरे चैटबॉट का वो थोड़ा साइकोपाथ टाइप का लग रहा है, कैन यू गेट स्मार्टर, यू आर ब्यूटिफुल, और अलग अलग चीजें आप यहाँ पे आंसर करो। सो अगर आप एक प्रॉपर चैटबॉट बना रहे हो तो खाली टाइम में उसको पर्सनालिटी देने का ट्राई करो, ठीक है, और ये सब करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है, ठीक है, और आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। जैसे कि देखो, अगर मैंने बोला हु आर यू, तो नहीं समझा यहाँ पे क्या था क्वेश्चन, अच्छा हमने सेव किया तो ट्रेन हो जाना चाहिए था, कस्टमाइजेशन प्रोग्रेस इज जस्ट 2%, मे बी थोड़ा सा और ट्रेन करने की ज़रूरत है, लेट्स ट्राई वन मोर टाइम, हु आर यू, से दैट वन मोर टाइम, हाउ ओल्ड आर यू, कैन यू रिपीट, लेट मी चेक ये क्यों नहीं पिक कर पा रहा है, ओ राइट, द आंसर इज दिस, कि आपको सबसे पहले यहाँ पे इनेबल करना पड़ता है स्मॉल टॉक को, माई बैड, आपको सबसे पहले ये इनेबल करना पड़ेगा, और अब आप क्या कर सकते हो, डन पे क्लिक कर सकते हो, और अब वो सेव कर लेगा, ठीक है, और अब आप यहाँ पे ट्राई करो, हु आर यू, तो लिखा हुआ है आई एम गॉड, ठीक है, यहाँ पे लिखा है हाउ ओल्ड आर यू, मैं नहीं बता रहा, ठीक है, और आपने जो भी आंसर्स किए थे आप लिख सकते हो, यू आर अनोइंग, चुप कर, ठीक है, यू आर बैड, हट बे, ठीक है, तो आई गेस यू गेट द आइडिया, आपको अगर अपने चैटबॉट को एक पर्सनालिटी देना है तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट आप एक बहुत फनी चैटबॉट बना सकते हो, मतलब ये आपके ऊपर है, और योर फ्रेंड्स विल बी सरप्राइज्ड उससे बात करके, इनफैक्ट क्या पता बहुत एंटरटेनिंग ही हो जाए। सो या एक बार ट्राई करके देखो ये वाला चीज, और अब हम लोग मूव करते हैं हमारे मेन प्रोजेक्ट वाले पार्ट में, जहाँ पे हमें एक करेंसी कन्वर्टर चैटबॉट बनाना है। तो अब हम एक ऐसा इंटेंट बनाएंगे जो हमारे लिए करेंसी कन्वर्जन का काम करेगा। सो गाइज, अब हमें एक और इंटेंट बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट इंटेंट पे क्लिक करेंगे, हमारे इंटेंट का नाम होगा करेंसी कन्वर्टर। सबसे पहले मैं इसको सेव कर रहा हूं। अब हम लोग सबसे पहले ट्रेनिंग फ्रेजेस ऐड करेंगे, ठीक है, सो यहां पर हमें फिर से सोचना है कि यूजर हमसे क्या पूछ सकता है, ठीक है, तो बहुत सारे वेरिएशंस हैं, मैं एक एक करके वेरिएशंस दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हो सकता है लिखा हो कैन यू कन्वर्ट 500 रुपीज टू US डॉलर्स, इस तरीके से कोई हमसे पूछ सकता है। तो अब यहाँ पर एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी, कि जैसे ही आपने ये एक्सप्रेशन ऐड किया, कुछ चीजें हाईलाइट हो गई हैं, स्पेसिफिकली ये दो चीजें, ठीक है, अब ये दो चीजें क्या हैं, 500 रुपीज और US डॉलर्स, ये दोनों एक्चुअली एंटिटीज हैं। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि चैटबॉट से आपका यूजर चैट करेगा, उस चैटिंग से हम लोग इंटेंट निकालेंगे, और इंटेंट से हम एंटिटीज एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो अगर यूजर ने पूछा विल इट रेन टुडे,
तो एंटिटीज हैं रेन और टुडे, ठीक है। उसने पूछा कैन यू गिव मी योर फोन नंबर, तो एंटिटी है फोन नंबर। सो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज होता है इंटेंट के अंदर, जिसके ऊपर हमें कुछ एक्शन लेना होता है, वो ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट करके मुझे डायलॉग फ्लो दे रहा है, ठीक है। क्यों दे पा रहा है ऑटोमेटिकली? क्योंकि डायलॉग फ्लो एज अ प्रोडक्ट अब बहुत मैच्योर कर गया है, बहुत सारे लोगों ने इसको यूज किया है, तो इसका जो एनएलयू मॉडल है वो अब बहुत ज्यादा एक्सपर्ट मोड में है और वो ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट कर पाता है। अच्छी बात यह है कि अगर ये एक्सट्रैक्ट ना कर पाए तो आप ये काम मैन्युअली भी कर सकते हो, बट यहाँ पर उसने खुद से हमें निकाल करके दे दिया, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सो जो येलो वाली चीज है, इसको यूनिट करेंसी बोला जा रहा है। सो अगर आपके करेंसी में एक नंबर भी है, जैसे 500 रुपए, तो इसको यूनिट करेंसी बोला जा रहा है। और अगर आपके पास सिर्फ एक करेंसी है विदाउट एनी नंबर, तो उसको करेंसी नेम बोला जा रहा है, ठीक है। और अगर आप सोच के देखो तो हमें करेंसी कन्वर्जन के लिए यही दो चीजें चाहिए होती है, एक मुझे चाहिए है करेंसी और एक मुझे चाहिए दूसरी करेंसी, राइट। तो आई होप आपको ये पूरा चीज समझ में आ रहा है। मैं इसके कुछ वेरिएशंस ऐड करता हूँ। प्लीज कन्वर्ट 200 pounds टू रुपीज। अह 200 pounds को इस बार एक्चुअली यूनिट वेट ले रहा है, बट हमें उसको यूनिट करेंसी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने मैन्युअली क्या किया, राइट क्लिक कर दिया और यहां से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। रुपीस करेंसी नेम ऑलरेडी है तो ये भी चलेगा। अब नेक्स्ट कन्वर्ट 15 यूरोस टू US डॉलर्स, फिर से ऑटोमेटिकली हो गया। और कुछ करेंसी नेम मैं निकालता हूँ, मुझे करेंसी नेम ज्यादा याद नहीं आ रहे। टका कन्वर्ट 100 टका टू यूरोस, फिर से कर रहा है। अब आपको बस कुछ नहीं करना, आपको खूब सारे वेरिएशंस में इस पूरे के पूरे इंटेंट को ट्रेन करना होगा, ठीक है। तो मैं कुछ और वेरिएशंस ऐड करता हूँ यहाँ पे मैन्युअली। सो गाइज, मैंने कुछ और फ्रेजेस ऐड किए। जो मैंने सबसे लास्ट फ्रेज ऐड किया वो ये था, वुड यू प्लीज कन्वर्ट 100 रूबल टू USD। सो उसने 100 रूबल तो आइडेंटिफाई कर लिया बट USD आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, तो हम इसको मैन्युअली आइडेंटिफाई करवाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, इसको बस सेलेक्ट करना है, ये पॉपअप आ जाएगा और यहाँ पे करेंसी नेम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो दैट इज हाउ यू डू इट। अगर वो खुद से कर ले रहा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप मैन्युअली भी करवा सकते हो, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर्सन, प्लेस, अट्रैक्शन, US, जियो काउंटी, GB, नंबर, लेंथ, वॉल्यूम, बहुत सारी चीजें हैं। और आप खुद का नया भी बना सकते हो, तो वो आपको बहुत सारा, जैसे यहाँ पे ईमेल भी है, अगर आपके टेक्स्ट में ईमेल है तो उसको कैसे निकालना है। तो यू कैन सी काफी आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है और काफी पावर है इंटेंट के अंदर से एंटिटी निकालने का, ठीक है। तो इतना हमने कर लिया, अब हम इसको एक बार सेव कर लेते हैं। सो अब गाइज, हम लोग थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं इस इंटेंट को कि ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। सो वॉट यू हैव टू डू इज, फिर से राइट साइड में जाके यू हैव टू टाइप कन्वर्ट 500 USD टू INR, एंड यू कैन सी इंटेंट हमारा वाला ट्रिगर हुआ है। और अच्छी बात ये है कि अगर आप यहाँ पे नीचे जाओ तो ये एंटिटीज एक्सट्रैक्ट होके आपको दिखाई देंगी। सो करेंसी नेम INR, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, और जो बेस करेंसी है वो यूनिट करेंसी बोल के एक डिक्शनरी में है, पाइथन के लैंग्वेज में अगर बात करें तो वहाँ पे करेंसी में लिखा हुआ है USD और अमाउंट में लिखा हुआ है 500, ठीक है। एक बार और ट्राई करते हैं। कुड यू कन्वर्ट 100 pounds टू US डॉलर्स, फिर से करेंसी कन्वर्टर ट्रिगर हुआ और हमारा जो करेंसी नेम है वो USD है, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है, और जो बेस करेंसी है
वो है 100 और GBP लिखा हुआ है। तो एक चीज आप नोटिस कर सकते हो कि एंटिटीज एक्सट्रैक्ट होने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जा रही है, ठीक है। जैसे नॉर्मल फॉरेन एक्सचेंज काम करता है तो वहां पे जो काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म यूज होता है करेंसीज का, उस फॉर्म में आ जा रहा है। USD बोला जा रहा है, GBP बोला जा रहा है, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड होता है शायद। तो हमारा जो पूरा चीज है अभी तक का सेटअप वो सही ढंग से काम कर रहा है, ठीक है। देर इज ओनली वन प्रॉब्लम और वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। अब देखो, ये जो इंटेंट हमने बनाया है इसको दो एंटिटीज चाहिए हैं अपना काम करने के लिए। एक वो करेंसी जिसको कन्वर्ट करना है और दूसरा वो करेंसी जिसमें कन्वर्ट करना है। तो कभी कभी क्या होगा कि यूजर दोनों करेंसीज साथ में नहीं बताएगा, तो तब प्रॉब्लम हो सकता है। उस प्रॉब्लम को हमें हैंडल करना है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पे एक्शंस एंड पैरामीटर्स में आओ तो ये रही वो दो एंटिटीज जो हमें चाहिए हैं। एक है यूनिट करेंसी जिस करेंसी को कन्वर्ट करना है, और करेंसी नेम जिस करेंसी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखो तो एक फील्ड है रिक्वायर्ड बोल के। मैं क्या कर दूंगा, मैं इन दोनों फील्ड्स को रिक्वायर्ड बोल दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो अब मेरा चैटबॉट तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक उसको ये दोनों चीजें नहीं मिल जाती, ठीक है। और आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे डिफाइन प्रॉम्प्ट है तो आप इस प्रॉम्प्ट को यूज करके एक कस्टम मैसेज यूजर को दिखा सकते हो। लेट्स से उसने यूनिट करेंसी नहीं बताया, मतलब उसने वो करेंसी नहीं बताया जिसको कन्वर्ट करना था। तो आप डिफाइन प्रॉम्प्ट में जाके लिख सकते हो व्हाट डू यू वांट टू कन्वर्ट क्वेश्चन मार्क। तो अब अगर यूजर नहीं बताएगा कि किस चीज को कन्वर्ट करना है तो वो प्रॉम्प्ट आ जाएगा जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है। सिमिलरली करेंसी नेम के केस में हम बोल सकते हैं टू व्हाट करेंसी डू यू वॉन्ट टू कन्वर्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेव पे क्लिक किया, अब इसको ट्राई करते हैं। देखो हमने लिखा कन्वर्ट 100 INR, किस करेंसी में कन्वर्ट करना है नहीं बताया, एंटर मारा। देखो यहाँ पे लिखा है टू व्हाट करेंसी डू यू वॉन्ट टू कन्वर्ट। और अगर आप नीचे आओ यहाँ पे देखो, यूनिट करेंसी का वैल्यू है मेरे पास बट करेंसी नेम का वैल्यू नहीं है। सो अब अगर मैं ऊपर जाके लिख दूं US डॉलर्स, अब देखो यहाँ पे करेंसी नेम में USD आ गया, ठीक है। दूसरी चीज ट्राई करते हैं कन्वर्ट टू पाउंड्स, अब यहाँ पे लिखा है व्हाट डू यू वांट टू कन्वर्ट, ठीक है। और यहाँ पे करेंसी नेम में GBP है बट यूनिट करेंसी नहीं है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 100 रुपीज। एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पर करेंसी नेम और यूनिट करेंसी दोनों आ चुका है, ठीक है। सो गाइस, अब हमने अपना इंटेंट ऑलमोस्ट बना लिया है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि इस इंटेंट से हमें जो भी आउटपुट मिल रहा है विच इज बेसिकली दीज पैरामीटर्स, इन पैरामीटर्स को हम एक पाइथन फ्लास्क एप्लीकेशन को भेजेंगे जहां पर ये कन्वर्जन होगा और रिजल्ट हमें वापस मिलेगा। सो एक छोटी सी चीज और करनी पड़ेगी ये करने के पहले, और वो ये है कि कभी कभी हो सकता है कि आपका जो API है, जो पाइथन फ्लास्क एप्लीकेशन है, वो डाउन हो जाए, सर्वर डाउन हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। उस केस में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके यूजर को पलट करके कोई आंसर नहीं मिल रहा, एक डिफॉल्ट रिस्पॉन्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो वो डिफॉल्ट रिस्पॉन्स आप कैसे ऐड करते हो, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है डिफॉल्ट रिस्पॉन्स नॉट अवेलेबल। सो अगर आपको एक डिफॉल्ट रिस्पॉन्स ऐड करना है तो आपको रिस्पॉन्सेज में जाना होगा और यहाँ पे आपको एक रिस्पॉन्स ऐड करना होगा, जैसे कि आप लिख सकते हो सर्वर डाउन ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम, ठीक है। आप इसके कुछ वेरिएशंस ऐड कर सकते हो, जैसे आज छुट्टी है कल आना, बैंक की तरह आप रिप्लाई कर सकते हो लंच चल रहा है, ठीक है। तो दीज आर द वेरियस डिफॉल्ट रिस्पॉन्सेज, सेव पे क्लिक किया, एक बार ट्राई करते हैं कन्वर्ट 500 INR टू व्हाट करेंसी डू यू वांट टू कन्वर्ट US डॉलर्स, ठीक है। अब बोल रहा है आज छुट्टी है कल आना, ठीक है।
तो यहां तक आई गेस आपको समझ में आ रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो फ्लास्क एप्लीकेशन हम बनाएंगे उसको एग्जैक्टली आप क्या भेजते हो। सो यहाँ पर एक बटन है डायग्नोस्टिक इन्फो बोल के, इस पर अगर आप क्लिक करो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा रॉ एपीआई रिस्पॉन्स। तो ये एक्चुअली एक जेसॉन ऑब्जेक्ट है जो आपके पाइथन एप्लीकेशन को मिलता है जब आप अपने पाइथन एप्लीकेशन को कनेक्ट करते हो अपने चैटबॉट के साथ। ठीक है, तो हमें बस ये पैरामीटर्स वाले की से मतलब है, क्योंकि इसके अंदर ही वो तीनों पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि कौन सी करेंसी है, किसमें कन्वर्ट करना है, कितना कन्वर्ट करना है, वो हमें पैरामीटर्स के अंदर ही मिल रहा है। तो अभी जब मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि पाइथन ऐप को कैसे कनेक्ट करना है, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको एग्जैक्टली यही सारी चीजें वहां पर दिखाई देंगी और इन्हीं को आप एक्सट्रैक्ट करके अपना काम करोगे। सो वैसे मैं बार बार पाइथन फ्लास्क ऐप बोल रहा हूँ कि पाइथन फ्लास्क ऐप हमारा बैकएंड बनेगा इस चैटबॉट का, बट ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि आपको पाइथन ही यूज करना है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, अगर आप नोड जेएस में कंफर्टेबल हो आप नोड जेएस यूज कर सकते हो, जावा यूज कर सकते हो, इवन पीएचपी यूज कर सकते हो। इट्स जस्ट कि आई एम वेरी कंफर्टेबल इन पाइथन, सो आई विल यूज द पाइथन का बैकएंड। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप थोड़ा कोडिंग वाला काम करने वाले। सो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पाइचाम, आई होप आपके पास पाइचाम है, पाइचाम ओपन करके उसमें एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो आई विल ओपन पाइचाम एंड आई विल क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। उसके लिए मुझे फाइल पे जाना है, न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। इस नए प्रोजेक्ट का नाम मैं रख रहा हूं करेंसी कन्वर्टर चैटबॉट बैकएंड, और वर्चुअल इन्वायरमेंट मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, मेरा बेस इंटरप्रेटर है 3.7। क्रिएट पे क्लिक किया, दिस विंडो, थोड़ा टाइम लगेगा बट वर्चुअल इन्वायरमेंट के साथ हमारा एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब वहां पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो लाइब्रेरीज हमें चाहिए हैं वो हम इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि हमें सबसे पहले चाहिए है फ्लास्क, तो हम फ्लास्क इंस्टॉल करेंगे। सो गाइज हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम सबसे पहले इसके अंदर एक पाइथन फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा ऐप। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम फ्लास्क इम्पोर्ट फ्लास्क। ऑब्वियसली फ्लास्क इंस्टॉल नहीं है, सो हम टर्मिनल पे जाएंगे और ये कमांड टाइप करेंगे पिप इंस्टॉल फ्लास्क। आपको इंटरनेट कनेक्शन का जरूरत पड़ेगा और ये इंटरनेट से डाउनलोड होके आपके प्रोजेक्ट में इंस्टॉल हो जाएगा। एंड यू कैन सी ये इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बेसिक फ्लास्क ऐप क्रिएट करेंगे जस्ट टू सी कि हमारा फ्लास्क एप्लीकेशन काम कर रहा है कि नहीं। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत फ्लास्क का आइडिया है, अगर नहीं है तो मैं आपके साथ एक छोटा वीडियो शेयर करूंगा, छोटा तो नहीं है बट एक वीडियो शेयर करूंगा जहां पे मैंने फ्लास्क बेसिक से समझाया है। वो वीडियो देख करके आपको फ्लास्क समझ में आ जाएगा बेसिक लेवल का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना है फ्लास्क क्लास का, और यहाँ पे आपको ये प्रोवाइड कर देना है। उसके बाद आप एक डेकोरेटर ओपन करते हो, बेसिकली यू आर क्रिएटिंग अ राउट, और वहां पर आप एक फंक्शन बना देते हो जहां पे फिलहाल बस लिखा हुआ है रिटर्न हेलो, और फिर आप लिखते हो इफ नेम इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन अंडरस्कोर अंडरस्कोर देन ऐप डॉट रन डीबग इक्वल्स ट्रू। ये बेसिक फ्लास्क टेम्पलेट है। अब आप क्या करोगे, आप इसको रन करोगे और इस जगह पे आपका फ्लास्क एप्लीकेशन रन हो रहा है। सो हमने फ्लास्क इंस्टॉल कर लिया प्रोजेक्ट बना के, और हमने एक बेसिक फ्लास्क एप्लीकेशन चला के देख लिया कि सब कुछ सही से काम कर रहा है या नहीं। बस इस पूरी चीज में बस एक प्रॉब्लम है गाइज, मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। सो हमारा प्लान ये है कि ये जो कोड है ये हमारे चैटबॉट का बैकएंड बनेगा। इस चैटबॉट का बैकएंड ये होगा, मतलब ये इंफॉर्मेशन यहाँ से निकलेगा और इसको मिलेगा, और ये एप्लीकेशन क्या करेगा, ये करेंसी कन्वर्जन करेगा और वो वापस जो रिस्पॉन्स है इस चैटबॉट को भेजेगा। दिस इज द एंटायर फ्लो। देर इज ओनली वन प्रॉब्लम कि ये जो चैटबॉट है ये रन कर रहा है गूगल के सर्वर्स पे, मतलब ऑनलाइन है, वेर एज ये जो कोड है ये चल रहा है मेरे मशीन पर, मतलब कि ऑफलाइन है। तो कैसे होगा कम्युनिकेशन, ये चैटबॉट कैसे मेरे कोड से कम्युनिकेट करेगा? एक बार वीडियो पॉज करके सोचो, आर्किटेक्चर लेवल के क्वेश्चंस सोचने चाहिए। अब
एक सिंपल तरीका तो ये है कि हम इस कोड को उठा करके कहीं पे होस्ट कर दें, ऑनलाइन डाल दें, हेरोकू पे डाल सकते हो, AWS पे डाल सकते हो। बट उसमें एक प्रॉब्लम है, अभी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपमेंट के टाइम में बहुत सारे चेंजेस होंगे। अब जितनी बार चेंजेस होंगे उतनी बार आपको चेंज करना पड़ेगा सर्वर पे जो फाइल आपने डाला है, हर बार अपलोड करना पड़ेगा चेंजेस के साथ, विच इज नॉट फीजिबल ऑनेस्टली। एक दूसरा तरीका है, एक स्मार्ट जुगाड़ है, हम एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जिसका नाम है एनग्रॉक। अब एनग्रॉक क्या है? एनग्रॉक इज अ टनलिंग सॉफ्टवेयर। टनलिंग सॉफ्टवेयर का मतलब है कि वो आपके मशीन के किसी पोर्ट को ऑनलाइन ले आता है यूजिंग बेसिकली 8 घंटे के लिए। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, एनग्रॉक प्रोवाइड्स अ रियल टाइम वेब यूआई वेर यू कैन इंटरसेप्ट ऑल HTTP ट्रैफिक रनिंग ओवर योर टनल्स। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर बोला जाए, आपके मशीन के एक पोर्ट को ये ऑनलाइन ले आता है और 8 घंटे तक पूरे दुनिया में कोई भी आपके मशीन पे पड़े हुए कोड से कम्युनिकेट कर सकता है। हम एनग्रॉक यूज करेंगे डेवलपमेंट के टाइम, जब प्रोडक्शन में डालना होगा तो हम हेरोकू या फिर AWS पे डाल देंगे। तो आप सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एनग्रॉक को डाउनलोड करना पड़ेगा। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे क्लिक किया, साइन अप करने को बोल रहा है, पहले शायद ऐसा नहीं था। डाउनलोड फॉर विंडोज, यहाँ पे बाकी ऑप्शंस भी हैं वैसे आपके पास। इसको ओपन किया और ngrok.exe को मैंने डेस्कटॉप एक्सट्रैक्ट कर लिया फिलहाल के लिए, और ये रहा ngrok, इसको ओपन किया, ये रहा हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर गाइस हमें क्या करना है, हमें कमांड टाइप करना है। यहाँ पे देखो एग्जांपल्स दिए हुए हैं अलग अलग टाइप के कमांड जो आप रन कर सकते हो। हमें ये पहला वाला कमांड रन करना है, ngrok HTTP उस पोर्ट का नाम जिसको आप फॉरवर्ड करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे, आप बस लिखोगे ngrok HTTP 5000। 5000 क्यों किया मैंने, क्योंकि अगर आप ध्यान दो तो हमारा जो ऐप है फ्लास्क ऐप वो 5000 पोर्ट पे चल रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे 5000 लिखा। अब मैं जैसे ही एंटर मारूंगा, अच्छा इन लोगों ने अपना ये लिमिट रिड्यूस कर दिया है शायद, अब सिर्फ 2 घंटे के लिए आप ऑनलाइन रह सकते हो। यहाँ पे आपको 2 URLs मिले, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इस URL को कॉपी करना है, सेकेंड वाले को HTTPS वाले को, और अपने एक ब्राउजर में पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे भी देखो एग्जैक्टली वही चीज़ खुल रहा है जो आपके मशीन पे खुल रहा है, बट ये जो URL है ये पूरे इंटरनेट पे अवेलेबल है, कोई भी इसको ओपन करेगा उसको ये हेलो दिखाई देगा, एंड दैट इज वॉट एनग्रॉक डज। ठीक है, अब ऑब्वियसली 2 ही घंटे तक ये काम करेगा, 2 घंटे के बाद ये URL काम नहीं करेगा, और 2 घंटे के बीच में भी अगर आपने अपना मशीन बंद कर दिया तो ये काम नहीं करेगा। ऑब्वियसली आपका मशीन चालू रहना चाहिए, अगर आपका मशीन सर्वर है तो सर्वर हमेशा ऑन रहना चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट द गुड पार्ट इज कि अगर आप कुछ चेंजेस करते हो अपने कोड में, लेट्स से आप इसमें इसको H1 बना दे रहे हो लाइक दिस, तो अगर आप जाओ अपने कोड में और इसको रन करो तो ये H1 हो गया, और आप यहाँ पे भी अगर करोगे थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन यहाँ भी वैसा ही दिखाई देगा। तो जो चेंजेस आपने यहाँ पे किए एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको एनग्रॉक कैसे काम कर रहा है और क्यों उसकी जरूरत है ये समझ में आ गया। सो गाइज, अब हमारा ये कोड ऑनलाइन आ चुका है, अब क्या करना है हमें, हमें इसको कनेक्ट करना है हमारे चैटबॉट से। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डायलॉग फ्लो में जाना पड़ेगा, और वहां पे हमें सबसे पहले फुलफिलमेंट पे जाना पड़ेगा। मैंने आपको शुरू में बताया था, 3 चीजें बताई थी, इंटेंट, एंटिटीज और फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट जो होगा वो हमारा फ्लास्क एप्लीकेशन करेगा, तो हमें फुलफिलमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर वेबहुक का ऑप्शन है। सो ये जो हम कोड लिख रहे हैं डायलॉग फ्लो, इसको वेबहुक बोलता है, तो हमें इसको इनेबल करना है सबसे पहले। जैसे आप इनेबल करोगे तो वो आपसे एक URL मांग रहा है। ठीक है, आई गेस आप समझ पा रहे हो, URL ये होगा जो हमें एनग्रॉक से मिला क्योंकि यही ऑनलाइन है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, योर वेब सर्विस एज इन ये जो कोड आप लिख रहे हो विल रिसीव अ पोस्ट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट ये है, ये पूरा रिक्वेस्ट हमें मिलेगा,
इन द फॉर्म ऑफ अ यूजर क्वेरी मैच्ड बाय इंटेंट्स विद वेबहुक इनेबल्ड. इन शॉर्ट, सिंस हमने कनेक्ट कर दिया तो ये वाली चीज हमें यहाँ पे मिलेगी. दैट्स इट, इसका यही मतलब है. ठीक है, और इतना करके आपको बस सेव कर देना है. अब एक और सेकेंड काम करना है, हमें इंटेंट्स पे जाना है, करेंसी कन्वर्टर इंटेंट पे जाना है, और यहाँ पे एकदम बॉटम में फुलफिलमेंट का टैब है, उसमें जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है इनेबल वेबहुक कॉल फॉर दिस इंटेंट. हमें इसको भी ऑन कर देना है और सेव पे क्लिक कर देना है. अब ये दो स्टेप्स करने के बाद हमारा जो डायलॉग फ्लो चैटबॉट है और हमारा जो फ्लास्क ऐप है वो आपस में कनेक्ट हो चुके हैं. अब यहाँ पे जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसको मैं फ्लास्क में रिसीव कर सकता हूँ, जो मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा. सो अब हमारा चैटबॉट कनेक्ट हो चुका है हमारे फ्लास्क ऐप से. इसका मतलब यहाँ का डेटा फ्लास्क ऐप को मिलने वाला है. अब हमें बस हमारे कोड में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे उस डेटा को रिसीव करने के लिए. सबसे पहले हम यहाँ पर रिक्वेस्ट को इम्पोर्ट करेंगे. राउट में हम स्पेसिफाई करेंगे मेथड्स इक्वल टू पोस्ट में डेटा मिल रहा है, और जो भी डेटा मिलेगा वो कैसे मिलेगा, बहुत सिंपल है. रिक्वेस्ट डॉट गेट जेसॉन बोल के एक फंक्शन होता है, उससे हमें डेटा मिल जाएगा. और अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस पूरे डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा हूँ. ठीक है, अब देखो क्या होगा. सो इस पॉइंट पे ये रहा मेरा ऐप. इसको अगर हम एक बार यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पर एक बार टाइप करते हैं. अच्छा, हमने सब कुछ सेव कर लिया आई गेस. टाइप करते हैं कन्वर्ट 500 USD टू INR. लंच चल रहा है, डिफॉल्ट रिस्पॉन्स आ गया, बट सब कुछ एक्सट्रैक्ट हो गया. अगर हम यहाँ जाएं और रीलोड करें, मेथड नॉट अलाउड. एक काम करते हैं, रादर देन प्रिंटिंग इट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे इसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम डेटा को कंसोल में प्रिंट कर लेते हैं. ठीक है, और अब देखो यहाँ पे तो वापस हेलो देखने लगेगा. एक काम करते हैं, यहां पे आके हम टाइप कर रहे हैं कन्वर्ट 500 USD टू INR, और हम वापस जा रहे हैं और यहां पे देखो गाइस, ये एग्जैक्टली वही डेटा है जो हमें वहां पे मिला था. यहां पे वो पैरामीटर की वैल्यूज आ रही हैं, और पैरामीटर में देखो 500 USD और करेंसी नेम में INR. सो जो क्वेरी, मतलब जो जेसॉन हमारे पास चैटबॉट में था, वो हम यहाँ पे सेंड कर पा रहे हैं. अब बस हमें क्या करना है, इसके अंदर से पैरामीटर को एक्सट्रैक्ट करना है, और फिर उसके अंदर से हमें ये सारी चीजें एक्सट्रैक्ट करनी है. सो गाइज, अब हमारा नेक्स्ट काम है इस बड़े से जेसॉन रिस्पॉन्स के अंदर से इन वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना. तो सबसे पहले इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि इस पूरे जेसॉन का स्ट्रक्चर क्या है. जेसॉन का स्ट्रक्चर समझना बहुत ही इजी है. आपको इस पे जाना है, कॉपी करना है, और जेसॉन व्यूअर बोल के एक वेबसाइट है, वहां पे पेस्ट कर देना है. और व्यूअर में जब आप जाओगे तो ये रहा आपका जेसॉन का स्ट्रक्चर. सो जेसॉन के अंदर क्वेरी रिजल्ट बोल के एक डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी के अंदर पैरामीटर्स बोल के एक डिक्शनरी है, और उस पैरामीटर्स के अंदर एक और डिक्शनरी है यूनिट करेंसी, जिसके अंदर ये दोनों वैल्यूज हैं, और पैरामीटर के अंदर ही आपका करेंसी नेम है. तो अगर आपको ट्रैवर्स करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके इन सभी जगहों पे जाना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ पाइचाम में, और पाइचाम में सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे निकालना है मेरा सोर्स करेंसी. तो मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ सोर्स करेंसी बोल के, ये होगा डेटा के अंदर क्वेरी रिजल्ट, क्वेरी रिजल्ट के अंदर पैरामीटर्स, पैरामीटर्स के अंदर यूनिट - करेंसी, और यूनिट करेंसी के भी अंदर करेंसी. ठीक है, अब मुझे निकालना है अमाउंट. अमाउंट होगा, ये पूरी चीज को मैं कॉपी कर रहा हूं और यहां पे पेस्ट कर रहा हूं, और यहां पे बस करेंसी के बदले आ जाएगा अमाउंट. और लास्टली मुझे बनाना है टारगेट करेंसी बोल के एक वेरिएबल.
जहाँ पे सब कुछ सेम होगा बट पैरामीटर्स के डायरेक्टली अंदर होगा करेंसी नेम, करेंसी हाइफन नेम, और इसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ str of source currency plus str of amount plus str of target currency, ठीक है, बस इतना करना है हमें। मैं एक बार स्क्रीन पे प्रिंट करके देखना चाहता हूँ। तो what I will do is I will go back to my Dialogflow chatbot और यहाँ पे लिखूंगा 500 पाउंड्स टू INR, ठीक है, ये आ गया, सब कुछ एक्सट्रैक्ट हो गया। अगर हम वापस जाएं और इसको रीलोड करें, यहाँ पर ये मेथड नॉट अलाउड आ रहा है बार बार। एक काम करते हैं फिर, इसको हेलो ही रहने देते हैं फिर से, क्योंकि एज सच हमें स्क्रीन पे प्रिंट करने का रिक्वायरमेंट है नहीं, हम बस प्रिंट करके देखना चाह रहे थे। यहाँ पे आएगा सोर्स करेंसी, उसके नीचे आएगा अमाउंट और उसके नीचे आएगा टारगेट करेंसी, ठीक है। अब मैं वापस जाता हूँ और यहाँ पे फिर से लिखता हूँ मैं 500 पाउंड्स टू INR। ये रहा हमारा सारा एक्सट्रैक्ट किया हुआ डेटा, और ये आए हम रन में, और यहाँ पे होपफुली हमें ये देखो ये रहा GBP 500 INR, तीनों चीजें प्रिंट हो रही हैं। एक बार और ट्राई करते हैं, कन्वर्ट 200 USD टू पाउंड्स, एंटर, ये रहा हमारा रिस्पॉन्स, और अगर यहाँ पे आप आओ तो ये रहा 200 USD टू GBP। सो जो डेटा वहां पर है वो मुझे यहाँ पर अब मिल रहा है। सो गाइज, अब हमें क्या करना है, हमें हमारे करेंसीज के बीच में कन्वर्जन करना है, तो हमें कन्वर्जन फैक्टर चाहिए, राइट? जैसे अगर आपको US डॉलर को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है तो रफली 74 का फैक्टर है। तो किसी भी करेंसी का किसी भी दूसरी करेंसी के साथ क्या कन्वर्जन फैक्टर है, उसके लिए हमें एक API चाहिए होगा। दिस इज द API, मैंने खोजा इसको, और भी APIs अवेलेबल है बट ये मुझे ठीक लगा। इसका नाम है currencyconverterapi.com। यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन गेट द API, और इनका भी पेड प्लान स्टार्ट हो गया। सबसे पहले एक काम करते हैं, लॉग इन कर लेते हैं। क्लिक हियर, हमें फ्री वर्जन चाहिए तो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। और सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ था फ्री प्लान इज फॉर टेस्टिंग पर्पजेज एंड सब्जेक्ट टू डाउन टाइम्स फॉर प्रोडक्शन एंड लाइव सॉफ्टवेयर, प्लीज कंसिडर गोइंग फॉर द पेड प्लान। बोल रहे हैं कि उतना रिलायबल नहीं है आपका फ्री प्लान, कभी कभी सर्वर डाउन हो सकता है, बट ठीक है, मैं अभी एक वीडियो बना रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए तो मुझे नहीं चाहिए पेड प्लान। सो आई विल क्लिक ऑन गेट योर पेड API, और यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी दूंगा। सो ईमेल हैज बीन सेंड टू यू बोल रहा है, तो सो गाइज इनका ईमेल मुझे आ चुका है, ये इनका ईमेल था। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये API की है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इफ़ यू आर यूजिंग फ्री सर्वर्स यूज दिस URL, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। उसके आगे हमें इस चीज़ को कॉपी करना है, कॉपी, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे क्वेरी जो है इसमें लिखा हुआ है कि USD टू PHP, PHP कोई करेंसी है वो कितना है वो आपको बताएगा, और इसका ठीक उल्टा भी आपको बताएगा। फिलहाल मुझे बस ये चाहिए, और मुझे USD टू INR कन्वर्जन चाहिए, और यहाँ पे आपको अपना API की प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि ये है, तो इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सो बेसिकली दिस इज द URL, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ क्योंकि ये आगे हमें काम आएगा। अब मैं जैसे ही इसको हिट करूँगा, ये देखो ये रहा वो कन्वर्जन फैक्टर 74.37505। किन्हीं भी दो का अगर आप करोगे, लेट्स से अगर आपने यहाँ पे GBR किया, GBR से नहीं आया, GBP होता है, आई एम सॉरी, GBP, ये रहा 0.71 का कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है। तो बस मुझे यही डेटा चाहिए,
कन्वर्जन फैक्टर क्या है इसको मैं यूज कर लूंगा। सो अब गाइज हमें बस इस एपीआई को यूज करना है हमारे कोड में, तो आई गो बैक टू माई कोड और कोड में व्हाट आई विल डू इज कि जैसे मुझे ये तीनों चीजें मिल जाती हैं, मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। इस फंक्शन का नाम है कन्वर्ट। कन्वर्ट में मैं दो चीजें एक्चुअली फेच कन्वर्जन फैक्टर बोल के एक फंक्शन बनाऊंगा। मैं वहां पे दो चीजें भेज रहा हूँ, मैं सोर्स करेंसी और टारगेट करेंसी, और वो मुझे पलट के कन्वर्जन फैक्टर रिटर्न करेगा। आई एम गोइंग टू कॉल इट एज CF कन्वर्जन फैक्टर, ठीक है। और यहाँ पर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू फंक्शन बाय द नेम ऑफ फेच कन्वर्जन फैक्टर। इसको दो चीजें मिलेंगी, सोर्स एंड टारगेट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, उस URL पे हिट करना है। सो URL क्या है, URL ये है, ठीक है। बस इस URL में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि अभी ये हार्ड कोडेड है सिर्फ इन दोनों के बीच का करेंसी रिटर्न फैक्टर रिटर्न करने का, बट हमें क्या करना है इसको डायनामिक बनाना है। तो मैं इस USD के बदले ब्रैकेट लगा दूंगा, और इस INR के बदले भी ब्रैकेट लगा दूंगा, और यहां पर डॉट फॉर्मेट के अंदर मैं भेज दूंगा सोर्स कॉमा टारगेट। और अब मुझे क्या करना है, इस URL पे हिट करना है। URL पे हिट करने के लिए आपको एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है जिसको आप रिक्वेस्ट मॉड्यूल बोलते हो। तो सबसे पहले हमें वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो हमें लिखना पड़ेगा pip install requests। इंस्टॉल हो गया, मैं ऊपर जाऊंगा एंड आई विल इंपोर्ट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में एक फंक्शन होता है गेट बोल के, हम उसको यूज करेंगे। यहाँ पे बस आपको अपना URL देना है, पलट के आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। रिस्पॉन्स को आपको एक्सप्लिसिटली JSON में कन्वर्ट करना है। लाइक दिस। और उस रिस्पॉन्स को मैं प्रिंट कर रहा हूँ जस्ट टू सी कि चीजें सही से काम कर रही हैं या नहीं, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, मैं वापस जा रहा हूँ टू डायलॉग फ्लो, और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ कन्वर्ट, कुड यू कन्वर्ट 100 पाउंड्स टू US डॉलर्स, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ एक्सट्रैक्ट हो गया, और अगर मैं यहाँ जाऊँ और रन में जाऊँ तो कहीं पे तो इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है इस पार्ट में, ये तो ये आ गया, बट यहाँ पे URL में इनवैलिड सिंटेक्स आ रहा है। सो आई डोंट नो गाइस क्या इशू हो रहा था, मैंने डीबग करने का ट्राई किया, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने फ्लास्क ऐप को दोबारा रन किया, और दोबारा रन करने पे ये काम करने लग गया। सो मैंने ये क्वेरी भेजा 1000 rupees को USD में कन्वर्ट करने का, और ये मुझे कन्वर्जन फैक्टर मिल गया, ठीक है। तो कन्वर्जन फैक्टर मुझे मिल रहा है। अब बस मुझे क्या करना है कि यहाँ से कन्वर्जन फैक्टर को रिटर्न करना है इस जगह पे। तो बहुत सिंपल है, हमें बस क्या करना है, हमें रिटर्न मारना है रिस्पॉन्स के अंदर इस चीज को सोर्स टारगेट, ये हम रिटर्न करेंगे, और वो कन्वर्जन फैक्टर हमें CF में मिल जाएगा। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं फाइनल अमाउंट बोल के एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ, जो कि बहुत सिंपली क्या होगा, जो सोर्स अमाउंट है उसको आप जब मल्टीप्लाई कर दोगे कन्वर्जन फैक्टर से, दैट विल बी योर फाइनल अमाउंट। सो अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो मुझे मिल जाना चाहिए कन्वर्जन के बाद जो फाइनल अमाउंट है, ठीक है। लेट मी शो यू ये काम कर रहा है कि नहीं। सो आई विल गो बैक एंड आई विल से कन्वर्ट 1 US dollar टू rupees, एंटर मारा, यहाँ से सब कुछ एज इट इज जा रहा है। और अगर मैं यहाँ आऊँ और रन पे क्लिक करूँ तो ये देखो 74.37, एक US डॉलर का करेंट प्राइस 74.37, तो वो मुझे मिल जा रहा है।
अब बस मुझे क्या करना है, एक लास्ट काम करना है, ये जो रिजल्ट मेरे पास आ रहा है इसको वापस भेजना है टू द चैटबॉट। अब देखो गाइस, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। रिस्पॉन्स इज इक्वल टू एक डिक्शनरी होगा, और इस डिक्शनरी के अंदर एक स्पेसिफिक टेक्स्ट आपको लिखना है, बिल्कुल वैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, फुलफिलमेंट टेक्स्ट, एग्जैक्टली यही लिखना है आपको, और कुछ आप नहीं लिख सकते। और यहां पे आप लिखोगे दिस दिस इज दिस दिस डॉट फॉर्मेट, और यहां पे आप भेजोगे अमाउंट कॉमा सोर्स करेंसी कॉमा फाइनल अमाउंट कॉमा टारगेट करेंसी। पढ़ने में अगर बोला जाए तो मान लो अगर आपको 200 US डॉलर्स को INR में कन्वर्ट करना था, तो आप भेज रहे हो 200 USD इज इतना INR, ये आप भेज रहे हो। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, ये सब प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं प्रिंट नहीं कर रहा। और एक चीज मैं और यहाँ पे JSONify फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ से व्हाट आई विल डू इज आई वुड जस्ट राइट JSONify रिस्पॉन्स एंड दैट्स द कोड गाइस। अब फाइनल कन्वर्जन हो रहा है और ये रिस्पॉन्स आप वापस चैटबॉट को भेज रहे हो। ठीक है, एक बार इसको चला के देखते हैं। सो आई विल गो बैक टू माई चैटबॉट, और यहाँ पे मैं टाइप करूंगा कन्वर्ट 1000 US डॉलर्स टू रुपीज, एंड यू कैन सी यहाँ पे लिखा रहा है 1000 USD इज 74,375.05 INR। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आ रही है। ठीक है, और कुछ ट्राई करते हैं, कन्वर्ट 1 pound टू वॉट करेंसी डू यू वॉन्ट टू कन्वर्ट, रुपी 1 GBP इज 103। अब ये काफी सारा डेसिमल प्लेसेस तक आ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप यहां पर फाइनल अमाउंट इज इक्वल टू राउंड फाइनल अमाउंट कॉमा 2 कर सकते हो, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो मैं फिर से चलाता हूँ, कन्वर्ट 1 pound टू INR 103.34 INR। ठीक है, एंड दैट्स इट गाइस, हमारा करेंसी कन्वर्टर चैटबॉट इज रेडी। सो नाउ दैट गाइस, हमारा चैटबॉट इज रेडी, आप उसको अच्छे से ट्राई कर सकते हो। इंटीग्रेशन पे क्लिक करो, और यहाँ पे नीचे में आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे। आप वेब डेमो ले सकते हो, मैसेंजर में इंटीग्रेट कर सकते हो, स्लैक और टेलीग्राम में भी इंटीग्रेट कर सकते हो। मैं आपको एक बार वेब डेमो दिखाना चाहता हूँ। सो वेब डेमो में आपको एक URL मिल जाएगा, इस URL पे आपको आपका चैटबॉट मिलेगा। ठीक है, एक बार पहले इसको इनेबल करना पड़ेगा, और इस पर क्लिक किया, दिस इज द URL, और ये रहे रामू काका, यहाँ पे हमने भेजा हेलो। ठीक है, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, आप बोल रहे हो आई नीड सम हेल्प, तो उसने ईमेल आईडी शेयर कर दिया। अब मैं लिख रहा हूँ इग्नोर दैट, जस्ट कन्वर्ट 200 USD टू INR, और ये देखो उसने कन्वर्जन कर दिया, तो आप बोलो थैंक यू और फिर बोल दो लव यू। या द फीलिंग इज म्यूचुअल। सो दैट्स आर रामू काका, राइट। द गुड पार्ट इज कि आप इसको अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हो। सो आप एम्बेड पे क्लिक करो, इस कोड को कॉपी करो, कोई भी एक, मैं सब्लाइम टेक्स्ट ओपन कर रहा हूँ और एक नया फाइल बना रहा हूँ, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ ऑन माई डेस्कटॉप एज डेमो डॉट HTML, HTML फाइल है ये, और यहाँ पे लिख रहा हूँ चैटबॉट डेमो, और यहाँ पर आकर के मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ और इसको ओपन कर रहा हूँ। ये मेरा फाइल है, और यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ है, हाय कन्वर्ट 1 pound टू येन। ठीक है, ये रहा आपका रिस्पॉन्स। सो दैट इज हाउ यू क्रिएट अ चैट बॉट। ठीक है, सो गाइज, अब जो लास्ट काम हमें करना है वो ये है कि हमें एक टेलीग्राम बॉट बनाना है।
ठीक है, मतलब सेम चैटबॉट रहेगा बट टेलीग्राम के ऊपर चलेगा। ठीक है, कैसे बनाना है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने डेस्कटॉप पर आपको टेलीग्राम ओपन करना है और सबसे पहले आपको बॉट फादर सर्च करना है, बॉट फादर ये सर्च करना है और यहाँ पे यू हैव टू टाइप स्टार्ट। जैसे आप स्टार्ट बोलोगे तो बॉट फादर आपको कई सारे ऑप्शंस देता है और उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है न्यू बॉट, जहाँ पे लिखा है क्रिएट अ न्यू बॉट। मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब देखो ये बोल रहा है हाउ आर वी गोइंग टू कॉल इट, उसको क्या बुलाना है और एंड में बॉट लगा होना चाहिए। लेट्स कॉल इट रामू काका बॉट। तो दिस इज आर बॉट। आप बोल रहे हैं कि उसका एक यूजर नेम होना चाहिए, तो यूजर नेम है रामू अंडरस्कोर काका अंडरस्कोर बॉट। ठीक है, ऑलरेडी टेकन, रामू काका अंडरस्कोर बॉट ये भी लिया हुआ है। कॉपी किया, वन लगाया। अच्छा, बॉट रामू काका वन बॉट, या बोल रहा है डन, कंग्रेचुलेशंस ये बॉट आपका रेडी है। ठीक है, इसने मुझे एक एक्सेस टोकन दिया, मुझे बस इस एक्सेस टोकन को कॉपी करना है। कॉपी, डायलॉग फ्लो में जाना है, टेलीग्राम पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सेस टोकन को पेस्ट करना है। मेरे केस में यहाँ पर ऑलरेडी एक एक्सेस टोकन दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने एक बॉट पहले क्रिएट किया था, आपको बस उसको रिप्लेस कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, और अब अगर आप जाओ यहाँ पे और सर्च करो रामू काका वन अंडरस्कोर बॉट, ये रहा हमारा रामू काका बॉट। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भेजें हाय, तो हाय हाउ आर यू डूइंग, यहाँ पे लिखना है कैन यू हेल्प मी क्वेश्चन मार्क, तो सीधे वो मेल वाला अपना मैसेज आ जाता है। मैं बोल रहा हूँ इग्नोर दैट, कन्वर्ट 100 USD टू INR फॉर मी, 100 USD 744 INR, थैंक्स एंड फाइनली लव यू, या एंड दैट्स द बॉट। अब जब तक ये चल रहा है, अब सिर्फ 13 मिनट्स बचे हैं, तब तक आप क्या कर सकते हो, आप इससे चैट कर सकते हो। ऑल दो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने फ्लास्क ऐप को डिप्लॉय कर देना चाहिए हेरोकू के ऊपर, फिर वो जब तक हेरोकू पे पड़ा हुआ है तब तक आप चैट कर सकते हो इस बॉट के साथ। ठीक है, तो दैट्स इट, दैट्स द प्रोजेक्ट। सो दैट वॉज द प्रोजेक्ट गाइज, आई होप यू लाइक इट। कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसा लगा और आप थोड़ा फीडबैक भी दे सकते हो कि क्या ऐड कर सकते हैं फ्यूचर में, क्या प्रोजेक्ट्स हम बना सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।